हेडिंग डालिए नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। बच्चों, नई जातियों के निर्माण में प्राकृतिक चयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, लिखते हैं यही साथ साथ। नई जातियों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह देखिए। सपोज करिए, जो जीव पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को बना लिया, एक जनसंख्या थी, जाति थी, उसकी जनसंख्या थी, एक जाति की जनसंख्या थी, उसमें से कुछ जीव प्रकृति के अनुकूल नहीं बने, वह धीरे धीरे नष्ट हो गए। ठीक है, लेकिन कुछ जीवों ने प्रकृति के अनुकूल अपने आप को बना लिया, प्रकृति के अनुकूल बना लिया, तो क्या हुआ, वो जीवित रह जाएंगे, वह जीवित रह जाएंगे। यह वैसे ही रहा बच्चों कि जब स्टार फिश ने बहुत सारे अंडे दे दिए, कुछ को खा लिया लोगों ने और कुछ ने, कुछ को खा लिया, कुछ को भोजन नहीं मिला इसलिए मर गए, लेकिन जिसने छीना झपटी करके भोजन को प्राप्त कर लिया वह जीवित रह गए। यह कहानी बताई थी ना हमने आपको स्टार फिश के बारे में, सुना है? तो ये वही कहानी है। ऐसे जीव जो प्रकृति के ज्यादा अनुकूल हो गए, ऐसे जीव जो प्रकृति के ज्यादा अनुकूल हो गए, वही क्या हुआ, उन्हीं को सेलेक्ट किया प्रकृति ने, उन्हीं को सेलेक्ट किया कि अब तुम्हारे बच्चे ही पैदा होंगे और तुम्हारी ही प्रोजनी आगे की तरफ बढ़ेगी। इससे क्या हुआ, नई जाति का निर्माण धीरे धीरे हो गया। इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन। एक बार समराइज करके बता दूं आप सबको, प्राकृतिक चयन किसे कहेंगे? कुछ नहीं, प्राकृतिक चयन वह है जो बेस्ट फिटेड जीव है, जो सबसे ज्यादा सुयोग्य जीव है, पूरी जनसंख्या में सिर्फ वही बचेगा, बाकी सारे जीव जो कम सुयोग्य हैं वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो जो सुयोग्य जीव बचेगा वह पहले वाले अपने बाकी साथियों से अलग हो जाएगा। अलग होने की वजह से अब एक नई जाति का निर्माण होगा, तथा इस वजह से एक नई जाति बन जाएगी, उसके बच्चे पैदा होंगे और नई जाति बन जाएगी। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि नई जातियों के निर्माण में प्राकृतिक चयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहानी क्लियर है सबको, लिखवा दें आगे? चलिए लिखिए लिखिए। नई जाति के निर्माण के लिए नई जातियों के निर्माण के लिए जीव के जीन, ये कौन सा जीन है, वही जेनेटिक्स वाला जीन है, यह चिराग से निकलने वाला नहीं है। ठीक है, जीव के जीन में महत्वपूर्ण लाभदायक तथा बृहद परिवर्तन होना या उत्परिवर्तन होना आवश्यक है। बृहद का मतलब बड़ा, बृहद उत्परिवर्तन होना आवश्यक है। आवश्यक है, ठीक है, होना आवश्यक है।
बदलते हुए वातावरण में जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेता है, आगे लिख लीजिए, बदलते हुए वातावरण में अपने आप को वातावरण के अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेता है। लेता है प्रकृति द्वारा, या नहीं सिर्फ वही या केवल वही जीवित बचता है, केवल वही जीवित बचता है और बाकी लोग क्या हो जाएंगे, बाकी लोगों का क्या होगा, वहां मर जाएंगे वो लोग, नष्ट हो जाएंगे। केवल वही जीवित बचता है तथा उसी की संतानें भविष्य में उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होती हैं जो अपने पूर्वजों से अलग होती हैं, क्योंकि उनमें तो नए जीन थे इसलिए वो बच गए, बाकी जिसमें नहीं थी उमर गए, तो अपने पूर्वज से वो अलग हो गए। इससे क्या हुआ, एक नए जाति का निर्माण हो गया। उसी की संतानें भविष्य में उत्पन्न होती हैं और नई जीव जाति का निर्माण होता है, नई जीव जाति का निर्माण होता है। बच्चों आज दो तीन छोटी छोटी लेकिन बड़ी मजेदार कहानियां पढ़ाना है आप सबको, ठीक है। यहां तक लिख लिया, अब मैं कुछ कहानी बताने वाला हूं आपको, लेकिन आप लोग अपने माइक को ऑन रखिएगा, जैसे पूछूंगा माइक ऑन करके जवाब दीजिएगा, ठीक है, सही है, तैयार है सब लोग? चलिए चलिए, अब मेरे एक प्रश्न बताइए, जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लिया, ठीक, क्या वह जीव कहीं और से पैदा हुआ था या बाकी अन्य जीवों के साथ ही पैदा हुआ था? वेरी गुड, अन्य जीवों के साथ ही पैदा हुआ था। इसका मतलब यह है कि जनसंख्या में वह जीव मौजूद था, जब सारे लोग मर गए तो वह अपने आप दिखाई देने लगा, जब सारे लोग मर गए तो वही बचा ही, ठीक है, तब पता चला उसको कि अरे मेरे पास तो शक्तियां हैं, मैं बच गया। हुआ ऐसा? फिर से सोचो कि कोई ऐसा जीव था, अचानक एक भीड़ है उसमें सबकी गर्दन कट गई और तुम्हारी गर्दन नहीं कटी, तो तुम्हें एहसास हो गया अरे वाह मेरे अंदर तो कोई शक्ति थी, मैं बच गया, मिस्टर इंडिया टाइप का, ठीक है। ऐसा तो था वो जनसंख्या में ही, लेकिन पता कब चला, जब सबका देहावसान हो गया वही एक जीव बचा, ठीक है। अब इसको अपने माइंड में रखना, आगे जो कहानी बताने वाला हूं उस पे सुनो। इंग्लैंड में बच्चों 1824 के आसपास, इसके उदाहरण है प्राकृतिक चयन के उदाहरण, प्राकृतिक चयन के कुछ उदाहरण, इसमें मैं सिर्फ हेडिंग लिखवाऊंगा और कहानी बताऊंगा, ठीक है, मैं सिर्फ हेडिंग बताऊंगा, हेडिंग लिखवा के कहानी बता दूंगा, इस कहानी को अपनी भाषा में आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अर्जुन, बाकी क्रेश, ठीक है, अब ध्यान से कहानी सुनो। 1824 ईस्वी में इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बेसिकली,
औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब हुआ? बहुत सारे कल कारखाने लगा दिए गए, ठीक है। अब बच्चों जब कल कारखाने लगाए गए तो उस दौरान सारे कल कारखाने जो थे वह कोयले पर चला करते थे, कोयले पर चला करते थे। तो औद्योगिक क्रांति से पहले वातावरण वहां का साफ था, ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई, जब औद्योगिक क्रांति आई तो वातावरण क्या हुआ, थोड़ा प्रदूषित हुआ, थोड़ा प्रदूषित होने लगा। अब जब वातावरण प्रदूषित होने लगा तो क्या हुआ, राख उड़ने लगी, हर जगह कालिख छा गई, हर जगह कालिख छा गई। अब मैं यहां पे कहानी को थोड़ी देर के लिए रोकता हूं, ठीक है। एक दूसरे एक्टर की एंट्री यहां करा रहे हैं। तो जब वातावरण साफ था, ध्यान देना, जब वातावरण साफ था तब वहां पर एक बिटसन बिटुलेरिया, बिटसन बिटुलेरिया लिख देते हैं नाम, बिटसन बिटुलेरिया, यह एक माथ है। माथ किसे कहते हैं? इंसेक्ट को, कीड़ा को। किसे कहते हैं? इंसेक्ट को, इंसेक्ट को माथ कहते हैं। मक्खी की तरह एक कीड़ा था, नाम था उसका बिटसन बिटुलेरिया, ठीक है, बिटसन बिटुलेरिया, अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, ठीक, बिटसन बिटुलेरिया। अब बच्चों बिटसन बिटुलेरिया ये बेसिकली था भूरे रंग का, किस रंग का था ये? भूरे रंग का, ठीक है। बिटसन बिटुलेरिया काले रंग का था ना, भूरे रंग का, एग्जैक्टली ब्राउन कलर का था। क्योंकि अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वहां का वातावरण कैसा है? साफ है। अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वहां का वातावरण कहां का? ब्रिटेन का वातावरण साफ है, ठीक। और एक खास बात और है, यह जो बिटसन बिटुलेरिया है यह प्रिय भोजन है, प्रिय भोजन है किसका? पक्षियों का, ठीक है। बिटसन बिटुलेरिया पक्षियों का प्रिय भोजन है। पक्षी लगा देने तुम आदमी समझ जाओगे, चिकन थोड़ी है, ठीक है। कहानी यहां तक की समझ में आई सबको? चलिए, अब चूंकि यह प्रिय भोजन है तो इसको भी तो अपने जान बचाना रहता है, ऐसा तो है नहीं कि आओ पक्षी मुझे खा जाओ, ऐसा तो चाहता नहीं है कोई, इसे जान बचानी रहती थी। यह क्या करता था, एक प्रकार के पेड़ पर जाके छुप जाता था जिसकी जो तना था वो अभी ब्राउन कलर का था, जिसका तना कैसा था? ब्राउन कलर का था। यहां मैं पेड़ उगा रहा हूं, ठीक से उग गया क्या मेरा पेड़? बोलो भाई, पेड़ उग गया? बढ़िया। अब देखो बेटा, देखो बेटा, इसे ब्लू ना मान के तुम लोग अगर मान लो, क्या ब्राउन मान लो इसको, इसका कलर भी ब्राउन, इसका कलर भी ब्राउन, तो यह पक्षी जो है, यह बिटसन बिटुलेरिया जो है इसी पे जाके बैठ जाता था, यहां जाके चिपक जाता था, तो ब्राउन पेड़ की वजह से, ब्राउन पेड़ पर ब्राउन कीड़ा बैठा हुआ है तो पक्षियों को नजर ही नहीं आता था। इसको कहते हैं कमाऊ फ्लेज, कमाऊ फ्लेज। कमाऊ फ्लेज इसका मतलब यह होता है बैकग्राउंड में छुप जाना, बैकग्राउंड में छुप जाना, ठीक। हरी घास के बीच में,
हरे रंग का गिरगिट अपना रंग बदल के कैसा कर लेता है, हरा कर लेता है, इसी वजह से वह छुपा रह जाता है। ध्यान आ रहा है? ठीक है, यही प्रक्रिया इसने किया। बिट्सन बिटुलेरिया ब्राउन रंग के प्लांट के ट्रंक पर या स्टेम पर आके छुप गया, केवल जाके बैठ गया तो अपने आप छुप गया, इसे कहते हैं कमाउफ्लेज। अब पक्षी खोज रहा है तुम गए कहां, उसे तो मिला नहीं, बेचारा पक्षी वापस हो गया। कहानी यहां तक फिर समझ लो, एक बार दोहरा देता हूं। क्या इंग्लैंड में 1824 से पहले इंडस्ट्री तो कम थी, पोल्यूशन कम था, तो एक बिट्सन बिटुलेरिया नामक कीड़ा था जो ब्राउन रंग का होता था, जिसको पक्षी बहुत चाव से खाते थे। यह पक्षियों का बर्गर था एक प्रकार का, लेकिन यह अपनी जान बचाने के लिए एक ब्राउन रंग के स्टेम पे जाकर के बैठ जाता था, जिससे वह बच जाता था। अब कहानी 1834 के बाद, ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू होने का मतलब यह हो गया बेटा कि अब औद्योग, मतलब उद्योग लगेंगे, कल कारखाने लगेंगे। अब कल कारखाने लगेंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि उस दौरान कोयले से चलता था, उस दौरान कोयले से सारे इंडस्ट्री चल रहे थे। तो यहां लिखते जाएं कि 1845 ईस्वी में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, कोल का इस्तेमाल बढ़ गया। कोल का मतलब कोयले का इस्तेमाल बढ़ गया। कोयले का इस्तेमाल बढ़ा तो और क्या हो गया बेटा, पोल्यूशन बढ़ गया। अब क्या हुआ, इस पोल्यूशन, जो कोयले की राख है, कोयला किस रंग का होता है बेटा, सफेद रंग का ना, अच्छा। तो यह जो इस कोयले की पोल्यूशन की वजह से, राख की वजह से, यह जो पेड़ था वह ब्राउन से ब्लैक हो गया। ब्राउन से क्या हुआ, ब्लैक हो गया। अब जब ब्राउन से ब्लैक हो गया, इनको पता ही नहीं था कि जिससे छिपते थे उसने अपना रंग बदल लिया है। अब ये पक्षी ने इनको दौड़ाया, ऐसे आया कि खाऊंगा, क्या कि तुम कैसे खा सकते हो, मैं भी जाके बैठ जाऊंगा। ये उड़ करके जाके यहां बैठे और पक्षी का, अच्छा बेटा तुम यहां बैठे हो, क्योंकि ये ब्राउन से ब्लैक हो चुका था और ये अभी ब्राउन ही थे। यहां पकड़ में आ गए और निपटा दिए गए, पक्षी द्वारा खा लिए गए, टेंशन में हो गई। इस हिसाब से एक समय ऐसा आ गया कि बिट्सन बिटुलेरिया की 90% जनसंख्या समाप्त हो गई। कितनी, 90% जनसंख्या जो है कम हो गई। देखिए एरो नीचे की तरफ लगाने का मतलब कम हो गई, क्यों, क्योंकि अब छुपते थे तो पक्षी इनको पकड़ लेता था और ये खा लिए जाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद से ऐसा वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि मौत का कलर काला हो गया। मतलब यह जो बिट्सन बिटुलेरिया है, इसमें क्या हुआ, इसमें जीन में कुछ परिवर्तन हो गए, और इसका रंग अब क्या हो गया, काला हो गया। ठीक है, इसका रंग काला हो गया। तो दो चीजें देखी गई, या तो जीन में कुछ परिवर्तन हुआ था तो ये काला पैदा होने लगे, ब्राउन वाले ही ब्लैक पैदा होने लगे, या फिर जनसंख्या में कुछ काले बिट्सन बिटुलेरिया पहले से मौजूद थे, ब्राउन के साथ ब्लैक वाले भी पहले से मौजूद थे। जब ब्राउन वाले बिट्सन बिटुलेरिया कम हो गए तो ब्लैक वाले अपने आप ज्यादा हो गए। और ब्लैक वालों की खास बात क्या थी कि वह ब्लैक ट्री पर जाके छुप सकते थे, ब्लैक ट्री के अंदर जाकर के छुप सकते थे। ठीक है, और ये छुप सकते थे तो फिर से ये छुप गए, तो इनका प्राकृतिक चयन हुआ। मतलब क्या,
प्रकृति ने इनको चूज किया कि हाँ भाई अब तुम लोग बचे हो, तुम अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर लो। इन्होंने अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर ली तो ब्लैक की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, ब्लैक की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। कहानी यहां तक समझ में आ गई है बच्चों? एक बार दोहरा दिया जाए क्या फिर से? एक बार फिर से दोहराया जाए? अर्जुन अब तुम साथ साथ माइक खोले रहो, तुमसे प्रश्न पूछना है। बिट्सन बिटुलेरिया किस रंग का था? भूरे रंग का, ठीक है भूरे रंग का था। अर्जुन ही यह बताएंगे कि कौन किस प्लांट जिस पेड़ पे जाता था वो किस रंग का था? फटाफट बताते रहो, माइक ऑन रखो, फटाफट बताते रहो। अच्छा ये बताओ फिर बिट्सन बिटुलेरिया कौन खा लेता था? पक्षी खाता था, खाता था कि नहीं खाता था? खाता था। ये जा करके ब्राउन वाला पक्षी जा करके ब्राउन वाला माथ यहाँ बैठ जाता था और छुप जाता था, इसको कमाउफ्लेज बोलते हैं। लेकिन जब 1845 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो कोयले का इस्तेमाल बढ़ गया क्योंकि कल कारखाने ज्यादा लगाए गए। जब पोल्यूशन उसके बाद फिर पोल्यूशन बढ़ गया, पोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, इस पेड़ का कलर जो है ब्राउन से ब्लैक में तब्दील हो गया। अब ब्राउन से ब्लैक हो गया तो बिट्सन बिटुलेरिया की जनसंख्या घटने लगी क्योंकि अब वो छुप नहीं पाता था। अब जब छुप नहीं पाता था तो इसकी जनसंख्या करीब 90% तक घट गई। लेकिन ऐसा देखा गया कि या तो बिट्सन बिटुलेरिया के अंदर कोई जीन में परिवर्तन हुआ है जिससे उसका रंग ब्राउन से ब्लैक हो गया, या फिर पहले से ही वह जनसंख्या में काला वाला भी मौजूद था बस पता नहीं चलता था। काला वाला मौत भी मौजूद था लेकिन पता नहीं चल पाता था। जब ब्राउन वाले की जनसंख्या कम हो गई तो ब्लैक वाला अपने आप ज्यादा हो गया। ब्लैक वाला यहां छुप जाता था तो ब्लैक वाला छुपता था इसीलिए उसका प्राकृतिक चयन हो गया। प्राकृतिक चयन क्या होता कि प्रकृति से अनुकूलता बनाए रखा, तो उसने ज्यादा बच्चे पैदा किए, उसकी जनसंख्या बढ़ गई। तो ब्राउन की जनसंख्या कम हो गई और ब्लैक की जनसंख्या बढ़ गई, इसकी वजह से ब्राउन की जनसंख्या बढ़ गई, ब्लैक की जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है। इसी को कहते हैं प्राकृतिक चयन। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, कुछ कहानी में अभी शेष है। फिर क्या हुआ बच्चों, कुछ सालों के बाद से बिजली का आविष्कार हो गया। किसका आविष्कार हो गया? बिजली का आविष्कार हो गया और कल कारखाने कोयले से के बजाय बिजली पे शिफ्ट हो गए। कोयले की बजाय किस पे शिफ्ट हो गए? बिजली पर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट हो जाने से क्या हुआ कि जो पोल्यूशन ज्यादा था अब वो पोल्यूशन क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। पोल्यूशन क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया तो ये पेड़ जो है फिर से क्या हुआ? ब्लैक से ब्राउन हो गया, ब्लैक से ब्राउन हो गया। ब्लैक से ब्राउन होने का क्या हुआ? अब ये जो ब्लैक वाला जाके यहाँ छुपता था अब नहीं छुप सकता क्योंकि उस पर भी उसे लोग खा जाते थे, उसके लोग खा जाते थे। अब क्या हुआ? इसकी जनसंख्या घट गई। इसकी जनसंख्या घट गई तो देखा गया कि ब्राउन वाले फिर से जनसंख्या बढ़ गई। इसका मतलब पूरा समाप्त नहीं हुए थे, वो भी कहीं छुपे हुए थे, ठीक है। तो निष्कर्ष यह निकला कि प्रकृति ने चयन किया, पहले से ही दोनों जनसंख्या में मौजूद थे, प्रकृति ने चयन किया, जिसने वातावरण को अपने अनुकूल बना लिया, प्रकृति ने सिर्फ उसी का चयन किया, उस दौरान वो जनसंख्या ज्यादा थी। फिर अगर वातावरण उसके प्रतिकूल हो गया तो वो मर गए, जो बचे हुए थे फिर उनका चयन हो गया, ठीक है। कहानी समझ में आ गई? इसको अपनी भाषा में लिख पाएंगे आप लोग? तो ये आपका होमवर्क है, सब लोग कागज पर बिट्सन बिटुलेरिया वाला अपनी कॉपी पर लिखिएगा, उसकी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर डालिएगा, ठीक। ऐसा नहीं कि दूसरे से कॉपी मांग के कॉपी करना है, सबका देखूंगा। सुन रहे हो बच्चों? चलो अब एक दूसरी कहानी, अभी होमवर्क खत्म नहीं हुए, आज आपको दो तीन होमवर्क देंगे, दो तीन छोटी छोटी कहानियां नोट करना है, ठीक है। एक और कहानी सुनो बच्चों, क्या हुआ, एक बार डीडीटी की खोज हुई। डीडीटी जानते हो?
बच्चों डीडीटी गमक्सीन नाम सुना है, जो नालियों में डाला जाता था पहले मच्छरों को मारने के लिए। अच्छा तब आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे, ये हमारे समय की बात है। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? सॉरी नहीं, धुआं तो अलग चीज है बेटा, वो तो एक अलग चीज है। पहले क्या हुआ, अब कहानी शुरू से सुनोगे तब समझ में आएगा, रुक जाओ। दूसरी कहानी का हेडिंग है मच्छरों पर डीडीटी का प्रयोग। दूसरी कहानी का हेडिंग है मच्छरों पर, मच्छरों को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मच्छर को अंग्रेजी में नहीं क्या कहेंगे पता है? मॉस्किटो। नहीं पता था तो फिर बोला क्यों नहीं? चलो पहले तो डीडीटी का फुल फॉर्म जान लो, अक्सर पूछेगा एग्जाम में। डाइक्लोरो CHLORO, डाइक्लोरो डाइफिनाइल PHENYL, ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, या डी को यहां कैपिटल कर लो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी का फुल फॉर्म है, परीक्षा में पूछता है इसलिए बता दिया गया। अब कहानी हमारी सुनो, जब डीडीटी की खोज हुई, किसकी? डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन की, इसकी खोज हुई तो मच्छरों से तो आज भी लोग परेशान है, तो उस समय तो और भी ज्यादा परेशान थे, इतना ऑल आउट और इतनी सारी चीजें तो थी नहीं। लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा नाली में डाला, सारे मच्छर मर गए, लोग एकदम हैप्पी, अरे वाह एकदम मच्छर मर जाते हैं इससे, मजा आ गया। दो चार छह महीना लोगों ने इसका खूब जम के इस्तेमाल किया, डालते थे मर जाते थे, डालते थे मर जाते थे मच्छर। एक समय आया कि लोग डालते थे मच्छर मरते नहीं थे, डालते थे तो मच्छर और खा के उसे और मोटे हो जाते थे, उसको लगे पचाने, उसको लगे डाइजेस्ट करके और ताकतवर हो गए और ज्यादा अंडे देने लगे। बड़ी समस्या में लोग पड़ गए कि अचानक क्या हो गया, अचानक क्या हो गया। ये क्या बना रहा हूं, अंदाजे से बता सकता है कोई? मच्छर बना रहा था, मच्छर बना रहे थे, ठीक है। इस पे डीडीटी का प्रयोग किया, डीडीटी का प्रयोग किया, सबके सब क्या हो गए? साफ हो गए, कुछ बता नहीं, इसके अंदर भरे हुए थे, अब कुछ क्लीन हो गया, ऑल क्लियर या ऑल आउट? ऑल आउट हो गए, ठीक है, मतलब सबके सब मर गए। हाँ क्या बेटा? सबसे पहले प्रयोग किया था जब, हाँ जब सबसे पहले प्रयोग किया था, गुड, जब पहली बार प्रयोग किया, ठीक है। अब कंटिन्यूअस उपयोग कर दिया, कंटिन्यूअस उपयोग कर दिया तो कंटिन्यूअस यूज ऑफ डीडीटी। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे स्टेप में बताते हैं। डीडीटी डाला लोगों ने कि आज भी डालेंगे तो मर जाओगे, लोग बड़े तेज हो रहे थे कि मर जाएंगे मच्छर, कुछ नहीं हुआ मच्छरों को, आइए देखते हैं। इतने सारे मच्छर थे, डीडीटी डाला, कुछ नहीं हुआ, मच्छर ऐसे के ऐसे बचे रह गए और ज्यादा काटे, दौड़ा दौड़ा के काट रहे थे लोगों को। नो इंपैक्ट
कोई प्रभाव नहीं पड़ा डीडीटी का, नो इंपैक्ट ऑफ डीडीटी, नो इंपैक्ट ऑफ डीडीटी, डीडीटी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। अब क्या हुआ भाई, लोग चिंतित हो गए, वैज्ञानिक भी चिंतित हो गए, डीडीटी से मर क्यों नहीं रहे हैं भाई। हुआ यह बच्चों, जब पहली बार दिया गया तो कुछ जनसंख्या मर गई, कुछ जनसंख्या मर गई, लेकिन एक दो मच्छर ऐसे बचे रह गए जो डीडीटी के प्रति रेसिस्टेंट थे, डीडीटी के प्रति रेसिस्टेंट थे, उन पर असर नहीं होता था। कहानी सुन लिए, पहले स्टेप में डीडीटी दिया, मच्छर मर गए, दूसरे स्टेप कंटिन्यूअस यूज करने के बाद जब दिया, या आज की कंडीशन में जब डीडीटी डालते हैं तो मच्छर नहीं मरते हैं उतने ज्यादा, ठीक है, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हुआ क्या, इसका व्याख्या यह दी गई कि जब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार मच्छर दिए गए, मच्छरों में डीडीटी डाला गया, तो कुछ जो कुछ मच्छर थे वह जो है उसमें से कुछ मच्छर, जो सभी मच्छरों की जनसंख्या थी उसमें से कुछ मच्छर जो है जीवित बच जाते थे, जो वही जीवित बचते थे जो कि डीडीटी की प्रति रेसिस्टेंट थे। जैसे वाटर रेसिस्टेंट होता है ना, वाटर के प्रति हमारा रेसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, हम ताकतवर रहे, इसी तरह से डीडीटी से बचने के लिए उसके पास क्षमता थी, वो बच जाता था हर बार, वो हर बार बच जाता था। और जो बच जाता है, जो बचता है, प्रकृति उसी का चयन करती है, जो बचता है प्रकृति उसी का चयन करती है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। जब नेचुरल सिलेक्शन होगा तो वही बच्चे को पैदा करेगा, बच्चों को अंडे देगा, उससे क्या होगा, लार्वा बनेंगे और नए मच्छर पैदा होंगे। धीरे धीरे एक सिनेरियो ऐसा आया कि सारे वही वाले मच्छर बच गए जो डीडीटी के प्रति रेसिस्टेंट थे, डीडीटी के प्रति रेसिस्टेंट थे, वो बचे रह गए, बाकी तो सब खत्म हो चुके, बाकी को सब खत्म हो चुके हैं। ये कहानी समझ में आ गई सबको? बस ये ध्यान देना कि जो बचेगा प्रकृति उसी का चयन करेगी। वो क्यों बचेगा? वह इसलिए बचेगा क्योंकि वह रेसिस्टेंट है या वातावरण के अनुकूल है, ठीक है। मिटा रहे हैं एक तीसरी कहानी भी सुन लो। क्या हुआ, मच्छरों के काटने से सभी लोग परेशान हैं। आप लोगों को मच्छर काटते हैं? अच्छा, मैं एक ऐसा रोग बताऊंगा कि अगर वो आपको हो जाएगा तो आप लोगों को मच्छर नहीं काटेंगे। बच्चों, एक ऐसा रोग है इस धरती पर, वो जिसको हो जाता है उसको मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता। मच्छर तो काटते हैं, मलेरिया नहीं होता। आप लोग चाहते हैं वैसा रोग होना? खैर, किसी प्रकार का रोग उचित नहीं होता। एनीमिया नाम सुना है? एनीमिया नाम सुना है आप लोगों ने? रक्त अल्पता, हाँ, रक्त अल्पता, जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबुलिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबुलिन या आरबीसी एक्चुअली कम हो जाती है, आरबीसी कम हो जाती है। तो एक तीसरा है कहानी सिकिल सेल एनीमिया का, सिकिल सेल अनेमिया, अनेमिया या एनीमिया। सिकिल का मतलब था हसियाकार, हसियाकार, हसिया देखे हो बेटा? कौन कह रहा है रोज देखते हैं? सब्जी काटते हो क्या? सब्जियां काटते तो हो गए, लिखा होगा आप लोगों ने। हाँ जी, देखा है ना, ठीक है, हाँ, हसियाकार एनीमिया। बेटा, पहले तो यह जानो कि सामान्य अवस्था में जो आरबीसी होती है वो तस्तरी के आकार की होती है। कैसी होती है? तस्तरी के आकार की। तस्तरी का मतलब कुछ ऐसे, ठीक है, तस्तरी के आकार की।
कौन सामान्य सामान्य आरबीसी ऐसी होती है। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ निकल के ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है वह आरबीसी के द्वारा ही की जा रही है। अगर आरबीसी इसका शक्ल बदल के ऐसे हो जाए हसिया कुछ ऐसा ही होता है ना, अगर आरबीसी कुछ ऐसे हो जाए इसको बोलेंगे सिकल सेल, सिकल सेल या हसियाकार। ठीक है, तो ये तो मान लो ऑक्सीजन को लेकर के ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकर ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन ये तो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा किसको, ऑक्सीजन को। नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। अच्छा, हमने कल आप लोगों को बताया था कि म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है, बताया था आप सबको। जो लाभदायक होंगे उन्हीं की आनुवंशिकी होगी, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, ये भी बता दिया। लेकिन जो हानिकारक है उनका क्या होगा, वह नष्ट कर दिए जाएंगे प्रकृति के द्वारा, वह नष्ट कर दिए जाएंगे प्रकृति के द्वारा, बताया गया था। क्या हुआ सुहानी, सुहानी तुम्हारी कहानी हमारे पास आ रही है, अरे कोई बात नहीं, चलो हम तो ठीक है सब सुन रहे हैं, ऐसा ना हो खाने में पहुंच जाए सबके सब। चलो बेटा, तो अब यहां पे क्या हुआ, सामान्य अवस्था में ध्यान से सुनो, सामान्य अवस्था में हीमोग्लोबुलिन में दो चेन पाए, चार चेन पाई जाती है, दो अल्फा चेन दो बीटा चेन, यहां देखो ऐसे लिख रहा हूं, दो अल्फा चेन पाई जाएगी और दो बीटा चेन पाई जाएगी, ठीक। चेन का मतलब सीरीज पाया जाएगा, ऐसे मान लो, ठीक है, ये बीटा मान लो, ये अल्फा मान लो, ये आपस में जुड़े रहते हैं, तो ये दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन किस अवस्था में पाई जाएगी, सामान्य अवस्था में पाई जाती है। हुआ क्या बेटा, बीटा चेन, ये जो बीटा चेन है ना, इसमें छठवें नंबर एमिनो एसिड पर, इस बीटा चेन के छह नंबर एमिनो एसिड पर, छह नंबर एमिनो एसिड जो आगे चल के ग्लूटामीन बनाता था, ग्लूटामीन बनाता था, उसमें उत्परिवर्तन हो गया, उसमें क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया और वो बनाने लगा वैलीन नामक एक एमिनो एसिड, वैलीन नामक एमिनो एसिड, ठीक है। ध्यान से सुनिए, सामान्य अवस्था में हीमोग्लोबुलिन में चार चेन पाई जाती है, कौन कौन सी बेटा, मेरे साथ साथ बोलो, कौन कौन सी चार चेन पाई जाती है, दो अल्फा और दो बीटा चेन, दो अल्फा और दो, वेरी गुड। अब बीटा चेन में जो छह नंबर पर एक एमिनो एसिड था, बीटा चेन में जो छह नंबर पर एमिनो एसिड का सीक्वेंस था
वह बनाता था ग्लूटामीन, वह क्या बनाता था? ग्लूटामीन, ग्लूटामीन। उसमें क्या हो गया? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो गया। उस म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ? अब ये ग्लूटामीन न बना के क्या बनाने लगा? वैलिन बनाने लगा। ग्लूटामीन न बना करके क्या हो गया? वैलिन बनाने लगा। बेटा यह कहानी जो है ना, ये जो ग्लूटामीन और वैलिन बनाना है, यह पता नहीं क्यों 50-60 बार, 10-12 बार तो मैं परीक्षा में एग्जाम में पूछा गया है मुझसे, और 50-60 बार तो जब भी मैंने टेस्ट पेपर सॉल्व किया है उसमें मिला है। तो क्या था ये जान लो, पहले सीक्वेंस क्या थी? ग्लूटामीन बनाने के लिए GAG नामक सीक्वेंस सही रहती है। GAG जहां सीक्वेंस मिलेगी वहां पर ग्लूटामीन बनेगा। तो हुआ क्या, GAG था, गैग था, उत्परिवर्तन होकर गुग हो गया। गैग का क्या हो गया? गुग हो गया। इस वजह से क्या हुआ, अब तक जो ग्लूटामीन बना रहा था, अब ये गुग क्या बनाएगा? वैलिन बना देगा। गुग क्या बनाएगा? वैलिन बनाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कहानी में जो इसे लोग लिख पाओगे। ले लिया, हट जाता हूं, शुरू करें? Yes, चलो फिर से दोहरा लेते हैं। हीमोग्लोबिन में 4 चेन, 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा। इसमें से बीटा चेन के 6वें एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस था वो था गैग, GAG। वो क्या बनाता था? ग्लूटामीन बनाता था। उसमें क्या हो गया? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो गया। उसने क्या बनाना शुरू कर दिया? गुग बनाना शुरू कर दिया। गुग ने क्या बना दिया? वैलिन बना दिया। वैलिन एमिनो एसिड का निर्माण कर दिया। ये एमिनो एसिड के नाम है, वैलिन और ग्लूटामीन क्या है? एमिनो एसिड के नाम है, ठीक है। वैलिन बनने लगा, इससे क्या हो गया? इसका आकार बदल के सिकल सेल का हो गया। इसका आकार बदलकर सिकल सेल का हो गया, ठीक है, यानी हसियाकार हो गया। अब प्रश्न मेरा आपसे यह है बेटा कि आप लोग जानते हो कि अगर उत्परिवर्तन हानिकारक है, उत्परिवर्तन हानिकारक है तो प्रकृति द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए, लेकिन आज भी इस प्रकार के जीव मिलते हैं, ऐसे मनुष्य मिलते हैं जिनमें सिकल सेल एनीमिया रहता है, जिनके जो शरीर है वह में कुछ हीमोग्लोबिन जो है सिकल सेल का होता है या हसियाकार होता है, उसे प्रकृति द्वारा नष्ट क्यों नहीं कर दिया गया? क्यों आज तक वो चले आ रहे हैं? प्रश्न है जायज, समझ में आ रही, लॉजिक आ रहा है कुछ दिमाग में, ऐसा क्यों होता है? देखो यह बात आंख मूंद करके मान लो, सिर्फ वही उत्परिवर्तन या म्यूटेशन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएंगे जो कहीं ना कहीं जीव के लिए लाभदायक होंगे, जो जीव के लिए लाभदायक होंगे। अगर वो नुकसानदायक हैं तो वो नहीं जाएंगे। तो आप पूछ सकते हैं, तो क्या मतलब सर, सिकल सेल एनीमिया का जो सेल है वह कहीं लाभदायक है? हाँ है बेटा, वह लाभदायक है। कहाँ पर? अफ्रीका के जंगलों में बच्चा, जहां पर आज भी मलेरिया के बहुत ज्यादा केसेस रहते हैं, लोग ज्यादा मच्छरों से परेशान है, मलेरिया लोगों को ज्यादा होता है वहां पर। मलेरिया से रक्षा करने के लिए, ध्यान से सुनिए, मलेरिया से रक्षा करने के लिए 6वें बीटा चेन के 6वें नंबर एमिनो एसिड जो का सीक्वेंस गैग से गुग हो गया था, वो आज भी चले आ रहा है। यानी अफ्रीका के जंगल में जो लोग जहां पे इस तरह के केसेस ज्यादा पाए जाते हैं, आज भी वहां पर सिकल सेल एनीमिया पाई जाती है। अब आप लोग पूछेंगे, सर आप लोगों को पता है मच्छर का लाइफ साइकिल, मच्छर की लाइफ साइकिल पता है आप लोगों को? मच्छर, मच्छर कहाँ रहता है? हमारे आरबीसी में पनपता है, हमारे आरबीसी में पनपता है। तो जब आरबीसी में जगह ही नहीं है तो यहाँ पनपेगा कैसे? यहाँ इसीलिए मलेरिया ऐसे लोगों को नहीं होता है, क्योंकि आरबीसी इनकी सिकल सेल है, खुद ही पिचकी हुई है, उसका आकार चेंज है, तो अब वह क्यों रखेगा अपने अंदर किसी को? इसीलिए ऐसे लोगों को जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है, उनको एक फायदा यह है कि उनको मलेरिया नहीं होता। अब चूंकि फायदा या लाभ का बात मैंने किया, इसीलिए सिकल सेल का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है सिकल सेल का जीन। समझ में आ गई ये कहानी, कैसे लिखेंगे? अच्छा तो मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दे दो।
कि सिकल सेल एनीमिया जिनको होता है उनको क्या नहीं होता है? मलेरिया नहीं होता। एग्जैक्टली मलेरिया नहीं होता। अच्छा ये बताओ कितने किस नंबर जीन में परिवर्तन हो जाता है? सीक्वेंस बताओ जरा, कौन से चेन में परिवर्तन होता है हीमोग्लोबिन के? बीटा चेन में परिवर्तन होता है। कौन से सीक्वेंस पर है वो चेन पे? कौन से सीक्वेंस पर? छठवें पर। सीक्वेंस का नाम बताओ। गैग जी ए जी जी ए जी। वो चेंज होके क्या हो जाती है उत्परिवर्तन के द्वारा? गुग हो जाता है। हाँ, और जी ए जी क्या बनाता था? मैं ढक लेता हूं, आप देखा ही नहीं देगा। जी यू जी ग्लूटामीन बनाता था। अच्छा, और जी ए जी जी यू जी क्या बनाता था? वेलिन। वेलिन वेलिन वेलाइन नहीं बोलते, वेलिन। ठीक है, वेलिन वेलिन बोलते हैं। ये ग्लूटामीन है, वो वेलिन है। गैग का गुग हुआ है तो ग्लूटामीन से वेलिन बनने लगा है। इसकी वजह से क्या हुआ? शेप चेंज हो गया है। शेप चेंज होने की वजह से फायदा ये हुआ है कि जो स्ट्रक्चर है वह तस्तरी से क्या हो गया? हसियाकार हो गया है। ये तीसरी कहानी थी। इसको आप लोग लिख करके वही तीनों कहानियां हमें आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे, और किसी की से मैच नहीं होनी चाहिए, अपना सोच सोच के लिखना। खुद लिख सकते हो, मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है कि आप लोग 74% पाओगे और लैपटॉप ले जाओगे। लेना है लैपटॉप ना, भूलना तो नहीं लैपटॉप। हाँ भाई, लैपटॉप का ऑफर है, उसको जरूर लेना है। ठीक है, कोशिश करोगे बेटा तो पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी और लैपटॉप भी मिल जाएगा। फिर स्कूटी मिलनी है क्या? मैं भी फॉर्म भर दूं क्या? चलिए अच्छा है। तो कितने नंबर पे स्कूटी मिल जाएगी? बच्चों को नहीं मिलेगी ना, बालिकाओं को मिलेगी। कोई बात नहीं, बच्चों को वो मिल जाएगी, बालकों को लैपटॉप मिल जाएगा। अपना तो लैपटॉप हाँ क्या होगा? क्या बोल रहे हो? चलो ठीक है, तो पढ़ो तभी ऑफर का फायदा मिलेगा। यहां तक हो गया, अगली कहानी। कहानी तो हो चुकी ना जी अपनी। मिटा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव का विकास कैसे हुआ और उससे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये हम पढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक होगा अपने पूरे सिलेबस इवोल्यूशन चैप्टर का। फटाफट खत्म करते हैं इसको। आ जाओ, हेडिंग डालो मानव का विकास। मानव का विकास जो पिछली बार जो है फेयरलिम पूछा था प्रश्न, उसको भी इंक्लूड करते जाएंगे इसमें। जो प्रश्न आप लोगों को 12th में पिछली हाफ ईयरली पूछा गया था वो भी इसमें बता दूंगा। दो दो नंबर के प्रश्न इससे खूब सारे पूछे जाते हैं। बहुत लंबा प्रश्न इससे नहीं पूछा जाता, दो दो नंबर के विकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, टीएच हक्सले नामक मानव का विकास, हेडिंग है मानव का विकास। मानव का विकास, इसके संबंध में टीएच हक्सले, लक्स नहीं जी, हक्सले, एच यू एक्स, आप लोग लक्सले मत लिख देना। टीएच हक्सले नामक वैज्ञानिक ने एक किताब लिखी है, मैन्स प्लेस इन नेचर, एक किताब लिखी है इन्होंने, मैन्स प्लेस इन नेचर, प्रकृति में मनुष्य का स्थान, एक किताब है। किताब में मानव के विकास का वैज्ञानिक आधार दिया है, मानव के विकास पर का वैज्ञानिक आधार टीएच हक्सले साहब ने अपनी किताब मैन्स प्लेस इन नेचर में दिया है।
ठीक है। अब एक और चीज सुन लो बच्चों, मनुष्य का विकास कैसे कैसे हुआ है इसका आधार कुछ होना चाहिए था, इसका आधार है समय समय पर मिलने वाले जीवाश्म। ठीक है, समय समय पर खुदाई होती रही है तो जीवाश्म मिले हैं, तो हमें पता चलते गया है कि इस समय में यह जीवाश्म मिले, इस समय में यह जीवाश्म मिले, उनको हम लोग जब रिलेट करते हैं तो पता चला कि उस दौरान ऐसा जीव था और ऐसे ऐसे करके क्रमिक विकास होते हुए आज का मानव बना है। ठीक है, तो यहाँ ये लिख लिया आप लोगों ने, ऐसे ही आज इसको सिर्फ इसी तरह से लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। बस ध्यान से सुनो बच्चों, जो पहला मनुष्य बना, ऐसा करना शुरू बनाया गया, शुरू में सबसे पहले सृज, सृज लिखो, सृज या गज सृज, गज सृज। एक ऐसा जीव था जिसका नाम था गज सृज, नाम रखा गया। वो चूहे के जैसा दिखता था, कैसा दिखता था, चूहे के जैसा। ठीक है, गज सृज आया, फिर उसके बाद वो मरा तो एक आया विच्छाश्रयी सृज, ऐसा सृज जो गिलहरी की तरह दिखता था तथा पेड़ पर रहता था। मैं एरो लगाते जाऊंगा, इसमें तो सिर्फ दो ही चीज का इस्तेमाल है, हो रहा ही है। गज सृज हो गया, फिर आएगा विच्छ, वृक्षाश्रयी, वृक्ष पे रहने वाला वृक्षाश्रयी सृज, वृक्षाश्रयी सृज। ये कैसा था, गिलहरी के जैसा था। गिलहरी कहां रहती है, घर में ना, पेड़ पे रहती है। ठीक, गिलहरी वृक्षाश्रयी सृज जो कैसा था, गिलहरी के जैसा था। इसके बाद आया लीमर, मैं वीडियो में यहां पर लीमर की फोटो, क्या बेटा क्या करो, मायोसीन युग में इसकी उत्पत्ति, देखो उत्पत्ति की बात कर रहे हो, इसकी उत्पत्तियों के बारे में फॉसल जो मिले हैं, जो जीवाश्म मिले हैं, वो मायोसीन युग से माना जाता है, मायोसीन युग से माना जाता है मनुष्य का विकास। ठीक है, अभी तुम ये ना फ्लो चार्ट नोट कर लो, इसी को याद रखना है, इससे याद रखोगे तो एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। फिर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता दूंगा कि इससे यही प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहला था गज सृज, दूसरा था वृक्षाश्रयी सृज, फिर तीसरा था लीमर, और चौथा था टार्सियर्स। लीमर्स आ गया, टार्सियर्स, लीमर के बाद टार्सियर्स। ठीक है, फिर इसके बाद आया एंथ्रोपोइड, एंथ्रोपोइड एंथ्रोपोइड इसके बाद आया एंथ्रोपोइड बच्चों यहां से दो रास्ते निकल गए, दो रास्ते कैसे, एक निकल गया कपी वाला रास्ता, एपीज यानी कपी बनने वाला रास्ता, एंथ्रोपोइड से एक रास्ता निकल गया कपी बनने वाला। इस पे क्या क्या बना देखो, इस पे सबसे पहले बना गोरिल्ला बना, फिर आगे बढ़ा रास्ता, फिर बना ओरांग उटेन, ओरांग उटेन, फिर आगे बढ़ा रास्ता, यहां से दो चीजें निकली गिब्बन, एक गिब्बन निकल गया, एक चिंपांजी निकल गया, चिंपांजी निकल गया, और ये आगे चल के मनुष्य बन गया, मनुष्य बन गया। अब ध्यान दो, देखो
गजश्रुज सबसे पहले बना गजश्रुज, उसके बाद बना वृक्षाश्रयी श्रुज, इसके बाद बना लीमर, उसके बाद बना टार्सियर, टार्सियर के बाद बना एंथ्रोपोइड, एंथ्रोपोइड से रास्ता चला है। रास्ता चला का मतलब यहां चले, यहां से कुछ जीव जो है, कुछ जीव में उत्परिवर्तन हुआ, वो गोरिल्ला बन गए, और कुछ जीव आगे चले गए, धीरे धीरे यहां पे चले, कुछ जीव जो बचे वो ओरांग उटेन में परिवर्तन हो गए, फिर कुछ जीव आगे बढ़ गए, जब यहां पहुंचे तो कुछ जीव आगे बढ़े, फिर यहां से कुछ जीव यहां चले गए, और यहां से कुछ जीव यहां चले गए, जो गोरिल्ला और चिंपांजी बना लिए, और फिर कुछ जीव जो है मनुष्य में परिवर्तित हो गए। ये समझ में आ रही बात, मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, एंथ्रोपोइड से कपी बनना शुरू हो गए, यहां से रास्ता आगे बढ़ा, जब हम यहां पे इस डॉट पे पहुंचे हैं, डॉट दिखाई दे रहा है सबको, इस डॉट पे पहुंचे हैं जब, तो यहां से कुछ जो जीव थे उनमें उत्परिवर्तन हो गया, तो वो क्या बनने, उनके बच्चे क्या बन गए, गोरिल्ला बन गए, कुछ जो नॉर्मल बचे रह गए थे, नॉर्मल क्या मतलब जो जिनमें उत्परिवर्तन नहीं हुआ वो आगे बढ़ गए, वो यहां पहुंच गए, जब वो वहां पहुंचे तो उनमें से कुछ में उत्परिवर्तन हुआ, वो ओरांग उटेन बन गए, फिर वो यहां से कुछ लोग जो नॉर्मल बचे रह गए यहां आ गए, यहां से ये फिर आगे बढ़े तो यहां जाकर के दो भाग में ये भी बट गए, कुछ गिब्बन बन गए, कुछ चिंपांजी, और जो यहां नॉर्मल बचे थे वो क्या बन गए, मनुष्य बन गए, क्या बन गए, मनुष्य बन गए। तो अभी भी मनुष्य का डेवलपमेंट थोड़ी हुआ है पूरा, अब मनुष्य में क्या क्या हुआ यह देखो, जो मनुष्य में क्या क्या हुआ यह सुनो, जो ये मनुष्य है बच्चों, मानव लिख लो, मानव में जो पहला बना था वो ड्रायो, DRYO पीथेकस, पीथेकस हिंदी में लिखना जरूरी है बेटा, लिख दें हिंदी में भी, ड्रायो पीथेकस हिंदी में सी, ड्रायो पीथेकस, इसके बाद में ना रामा पीथेकस, रामा पीथेकस, इसके बाद बना ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके बाद बना नियंडरथेलेंसिस, होमोसेपियन नियंडरथेलेंसिस, नहीं नहीं नियंडरथल नहीं है बच्चा, रुक जाओ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को होमो का मतलब क्या है, होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, उसके बाद बना है नियंडरथल, होमो नियंडरथलेंसिस, होमो नियंडर, NEANDER थल, THAL ENSIS, ये नियंडरथल जो जगह का नाम है, जर्मनी में एक जगह है नियंडरथल, तो होमो नियंडरथलेंसिस बन गए, नियंडरथल आगे बढ़े हैं बच्चों तो होमो सेपियंस बने हैं, नहीं क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन बने हैं, और क्रोमैग्नन होमो सेपियंस बने, क्रोमैगोनन NAN, फिर ये बने हैं होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, सेपियंस। एक बार कहानी बता दोहरा देता हूं कि बहुत कंफ्यूजन होगी आप सबको, है कि नहीं कुछ कंफ्यूजन, शुरू करते हैं फिर से, सुनो, गजश्रुज बना, सबसे पहले जो जीव बना था मानव के विकास के अंतर्गत, उसमें पहला बना गजश्रुज, उसके बाद बना वृक्षाश्रयी श्रुज, उसके बाद बना लीमर, लीमर के बाद टार्सियर, टार्सियर के बाद एंथ्रोपोइड, एंथ्रोपोइड, एंथ्रोपोइड से सड़क आगे चल रही है, तो क्या बना, कुछ जीव जो है परिवर्तन हो गए गोरिल्ला में, किसमें परिवर्तन हो गए, गोरिल्ला में, और कुछ जीव किसमें परिवर्तन हो गए, आगे चले गए, फिर वो कुछ उसमें से जो जीव बचे हैं यहां से ओरांगउटेन बन गए, फिर आगे चले यहां से दो भागों में बढ़ गए, गिब्बन और चिंपांजी बन गए, जो बचे रह गए वो किसमें बदल गए, मानव में, किसमें बदल गए, मानव में। अब मानव में जो पहले मानव के जैसा होता ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस यह अभी बंदरों की तरह था, अब इनके बारे में हल्का हल्का लिखवाते चलो, ड्रायोपिथेकस, पहले तो होमो शब्द का मतलब समझ लो, होमो
इस होमो शब्द का मतलब क्या है, होमो शब्द का क्या मतलब है। बेटा ये जो होमो शब्द है, होमो शब्द है होमी नीड से लिया गया है, होमी नीड से लिया गया है। ऐसे जीव जो दो पैरों पे चले इसके अंतर्गत रखे जाते हैं, पॉइंट वन। और दूसरा यही लिखवा देते हैं ताकि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। इसके अंतर्गत दो पैरों पे चलने वाले जीव, इसके अंतर्गत दो पैरों पे चलने वाले जीव आते हैं। और इनका सिर बड़ा होता है, कपाल, कपाल का बृहद आकार हो, बड़े आकार का सिर हो, बृहद आकार हो। आप लोग जानते हो हम लोगों की जो हड्डी है वो ऐसे मुड़ी हुई है, एकदम सीधी नहीं है, एकदम सीधी नहीं है। आप लोग जान रहे हो ना इस बात को। तो ऐसे जीव, ऐसे जीव जिनकी रीढ़ की हड्डी हल्की सी मुड़ी हुई रहती है वो होमिनिड के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी, हड्डी में हल्का घुमाव, हल्का घुमाव इसी के अंदर रखे जाएंगे। बच्चों ऐसे जीव, यहां देखो, यहां देखो मेरे सिर, ये जो वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है इस सिर के अंदर घुस रहा है ना, यहां सिर के अंदर घुस जाता है। ध्यान दिया आप लोगों ने, वर्टिब्रल कॉलम, यहां जो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरु रज्जू ये आ रहा है, मेरुदंड ये आता है और सिर के अंदर घुसता है। तो जहां से ब्रेन और वर्टिब्रल कॉलम जहां पे प्रवेश करता हुआ नजर आता है उसे बोलेंगे फोरेनम मैग्नम, फोरेनम मैग्नम। फिर से सुनो, ये जो खोपड़ी है और यहां मेरु रज्जू, ये जहां घुस रहा है, ये मान लो मेरी खोपड़ी है तो ये घुस रहा है अंदर, ध्यान दो ये घुस रहा है अंदर, इस जगह को बोलेंगे फोरेनम मैग्नम। यहां बना दे रहे हैं तो ये वाली जो जगह है क्या होगी, फोरेनम, फोरेनम मैग्नम, फोरेनम मैग्नम स्थित होता है। तो जिन जीवों में फोरेनम मैग्नम स्थित होगा उसको किसमें रखेंगे, होमोसेपी, होमोनीड में, होमी नीड में रखेंगे जिन जीवों में फोरेनम मैग्नम। आप समझ गए, फोरेनम मैग्नम सुनाई दिया बच्चों सबको। फोरेनम मैग्नम किसे कहेंगे, जहां पे ब्रेन में घुस रहा हो तो ये दिखाई दे रहा है उसी कहेंगे फोरेनम मैग्नम। तो जिन जीवों में फोरेनम मैग्नम स्थित होगा उसे किसमें रखेंगे, होमी नीड में रखेंगे। इसीलिए इनका नाम होमो पड़ा है, क्यों, क्योंकि इन्हें फोरेनम मैग्नम घुस रहा था, दिखाई दे रहा था। ठीक, आगे चलो और देखो बच्चों, हमारे हाथ में एक खास चीज, मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं जी, तुम लोग कहोगे सर आशीर्वाद देने लगे बिना मांगे, ऐसा नहीं बेटा, ऐसे देखो। अब देखो ध्यान से, हमारे उंगली, पहली उंगली और अंगूठे के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देख लो अपने अपने उंगलियां करके देख लो, किसी का 45 तो नहीं बन रहा, पक्का है ना, ऐसा नहीं किसी का 180 चला जा रहा हो, सबका 90 ही पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारे हाथ की ग्रिप इससे मजबूत होती है, क्या होता है, ग्रिप मजबूत होती है। अगर सोचो अंगूठा नहीं रहे तो क्या हम पकड़ पाएंगे मजबूती से किसी चीज को, बिना अंगूठे की हेल्प के पकड़ के देखो कैसा, ये चार पकड़ेंगे उतना मजा नहीं आएगा। और अगर ये रहेगा तो मजबूती से हम चीजों को पकड़ पाते हैं। तो पांचवी चीज नोट कर लो, 1 2 3 4 5, ऐसे जीव अंगूठा समकोण पे स्थित हो, अंगूठा प्रथम उंगली के समकोण पे स्थित हो,
अंगूठा प्रथम उंगली के संपूर्ण पर स्थित हो, ठीक, उनको क्या कहेंगे हम लोग, पाए जाएंगे कि ये होमिनिड में रखा। और एक और अंतर और है, अगर शरीर से स्तन को हटा दिया जाए, शरीर से स्तन को हटा दिया जाए तो क्या स्त्री और पुरुष में अंतर कर पाना संभव है? नहीं संभव रहेगा। बाल तो नर और मादा दोनों ही बड़े बड़े रख रहे हैं आजकल तो, ठीक है, स्तन की वजह से हम जान पाते हैं कि एक स्त्री है एक पुरुष है। तो यहां इसको कहते हैं लैंगिक द्विआकार की, लैंगिक द्विआकार की या लैंगिक द्विरूपता। इसमें क्या होती है? कम होती है। होमिनिड्स में लैंगिक द्विरूपता कम होती है। आप यह बताओ लैंगिक द्विरूपता कैसे और अच्छा बता दें। फिलहाल अगर पौधे को सामने रख दिया जाए तो नर प्लांट है या फीमेल प्लांट है बिना जननांग देखे हम नहीं बता सकते, ठीक है। इसी तरह से मनुष्यों में लैंगिक द्विरूपता भी कम पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता की कमी कमी। छठवां पॉइंट है लैंगिक द्विरूपता में कमी। तो हम यहां होमो शब्द का जब इस्तेमाल कर रहे, बेटा ये दिखाई दे रहा है ना, हम होमो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि होमो के अंदर होमिनीड को रखा जाता है। होमिनीड किसे कहेंगे? उन सभी जीवों को जिनमें ये छह गुण पाए जाए, उन सभी जीवों को जिनमें यह छह गुण पाया जाए। कौन कौन सा बेटा? पहला गुण है होमिनीड का, अगर कोई चीज होमिनीड है तो वह कितने पैरों पर चलेगी? दसों पैरों पर ना, दो पैरों पर चलेगी। अच्छा, कपाल की साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ना, खोपड़ी तो होना चाहिए, तो बृहद आकार का कपाल या सिर हो। रीढ़ की हड्डी में हल्का सा घुमाव होना चाहिए। फोरेनम मैग्नम बता चुका हूं, फोरेनम मैग्नम अगर मौजूद है तो वह होमिनिड का सदस्य है। अंगूठा कितने अंश पे होना चाहिए? 180 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर। मैं आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कहीं आप सो ना जाएं इसलिए मैं जगाता रहता हूं गलत बोल के, ठीक है, आपको कुमार्ग पे नहीं जाना है भाई। चलो, फिर लैंगिक द्विरूपता में कमी हो, जिसके अंदर यह पाया जाएगा वो उसे किस में रखेंगे? होमिनिड के अंतर्गत रखेंगे। अब ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस जो है, एक मिनट बेटा, ड्रायोपिथेकस लिख लिया है बच्चा आप लोगों ने? जगह बची है आप लोगों के पास? बस यहां छोटा छोटा लिख लेना, ये चिंपांजी जैसा था, चिंपांजी जैसा था, जैसा था। तो अब आप देखो चिंपांजी, चिंपांजी के पैर और हाथ की लंबाई दोनों बराबर होती है, लेकिन चूंकि ये होमिनिड के अंतर्गत रखा है तो इसको बार बार क्या करना है? दो पैरों पर ही चलना है। तो चिंपांजी को अगर आप ध्यान दें तो बीच बीच में वो जमीन पे टच करता है फिर उठता है, जमीन पे टच करता है चलता है दो ही पैर से। देखा है ऐसे करके चलते हुए चिंपांजी को? तो ड्रायोपिथेकस चिंपांजी की तरह था, झुकता था, झुका हुआ था, बिल्कुल झुका हुआ था, लेकिन चलता था दो पैर में, इसीलिए उसे होमिनिड के अंतर्गत रखा गया, ठीक। लेकिन जो रामापिथेकस था बच्चों, रामापिथेकस को मानव वंश का प्रथम सदस्य कहा जाता है। ये याद कर लेना, ये प्रश्न पूछा है, स्टार लगा दिया मैंने। रामापिथेकस को मानव वंश का प्रथम सदस्य कहा जाता है। मानव वंश का प्रथम सदस्य कहा जाता है। अच्छा,
अच्छा जो हम लोग सामान्य अवस्था में आदि मानव बोल देते हैं ना, अरे आदि मानव नहीं, आदि मानव के काल से है, सुना है नाम आदि मानव। तो जब भी आदि मानव शब्द का इस्तेमाल हो बेटा, तो वो शब्द यहां से ही शुरू होता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आदि मानव माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आदि मानव माना जाता है। तो ड्रायोपिथेकस झुक के चलता था, रामापिथेकस थोड़ा झुक के चलता, झुकता वो भी था थोड़ा झुक के चलता था, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीधा चलने लगा था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीधा चलने लगा था, मैं लिख दे रहा हूं, सीधा चलता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीधा चलता था। ठीक है, फिर होमो हैबिलस, फिर होमो हैबिलस यह भी सीधा चलता था। होमो हैबिलस भी सीधा चलता था। फिर आया होमो इरेक्टस, यह कंप्लीटली सीधा और ज्यादा टाइट चलता था, सीधा इरेक्टस। ठीक है, नाम भी इसीलिए दिया गया, यह लोग भी सीधा चलते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो हैबिलस भी सीधा चलते थे, लेकिन एक सीधा ऐसे भी है और एक सीधा ऐसे है, ये टाइट सीधा चलता था, इसलिए इसे कहते हैं होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। तो तुम लोगों ने एक सुना होगा जावा मानव और पेकिंग मानव। जावा मानव और पेकिंग मानव होमो इरेक्टस की ही सब कैटेगरीज हैं, वो दोनों ही होमो इरेक्टस ही हैं, जावा और पेकिंग मानव। यहां लिख दे रहे हैं बेटा, दिख रहा है ना, जावा और पेकिंग मानव इसी की सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी किसकी, होमो इरेक्टस की, होमो इरेक्टस की सब कैटेगरी है। फिर आते हैं होमो नियंडरथलेंसिस पर, यह जर्मनी के नियंडरथल से इसका मिला है जीवाश्म, इसीलिए इसका नाम मान लिया गया नियंडरथलेंसिस। अच्छा, अब तुमसे प्रश्न पूछा था जो पिछली बार छमाही परीक्षा में पूछा था, वो यह पूछा था कि आधुनिक मानव का पूर्वज कौन है, तो क्रोमैग्नन मानव है। कौन है, क्रोमैग्नन मानव, क्यों, क्योंकि होमो सेपियंस तो आधुनिक मानव है, और उसका पूर्वज उसके ठीक पहले कौन आ रहा है, क्रोमैग्नन, तो क्रोमैग्नन को आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है, क्रोमैग्नन को आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है। और मानव वंश का प्राथमिक सदस्य किसे माना जाता है, तो रामापिथेकस को। मानव वंश का प्राथमिक सदस्य माना जाता है रामापिथेकस को। ठीक, इसी के साथ ही एक मिनट थोड़ा दोहरा लेंगे फिर से, सुनो यहां से शुरू करते हैं, याद करो मेरे साथ साथ, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, नियंडरथलेंसिस, क्रोमैग्नन और होमोसेपियंस। फिर से बोल ले, चलो यहां से, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो हैबिलस होमो इरेक्टस नियंडरथलेंसिस, फिर क्रोमैग्नन और होमोसेपियंस। क्रोमैग्नन को क्या माना जाता है, आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है। रामापिथेकस को मानव वंश का प्रथम सदस्य माना जाता है। और मानव कब से सीधा चलना, आदि मानव किसे माना जाता है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आदि मानव माना जाता है, यहीं से मानव सीधा चलना शुरू किया था। आज के लिए बस इतना ही, कल से नए चैप्टर की शुरुआत होगी।